अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4C है जो मैथमेटिक्स बुक पॉइंट D1 सेवन्थ एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उस एक्सरसाइज है ये। और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका F से लेके J तक पार्ट। आज की वीडियो में हम करेंगे इससे पहले के जो इसके पार्ट्स हैं A से लेके E तक वो हम पहले करवा चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी क्वेश्चन है 2 × x + 3 / 5 −1/2 + 3x − 4/4। ठीक है जी, ये हमारे पास हमने करना क्या, डिनोमिनेटर जो है इसको हमने सेम करना है। अब हमने देखना कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। वैसे तो देख लें कि 4 जो हमारे पास 20 होता है, 2 10 जो 20 होता है, 4 5 जो 20 होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं लग रही तो साइड पे बस आपने क्या करना है, LCM ले लेना है। तो 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं, 5 एज इट इज़, 2 1 जो 2 2 2 जो 4, देन फिर 2 से होगा 5 एज इट इज़ 1, 2 1 जो 2, फिर हम इसे 5 से कर लेंगे, 5 1 जो 5, ये हो गया हमारे पास। अब 5 2 जो 10, 10 2 जो हमारे पास क्या हो गया, 20। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या करना है, हमने 20 बनाना है। तो 5 4 जो 20 होते हैं तो उसको ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है जी, 2 10 जो 20 होते हैं इसे ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 4 5 जो 20 होते हैं इसको ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो गया, 4 2 8 × x + 3 / 20 − 10/20 + हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 × 3 × −4/20। ठीक है जी, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया, तो इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ 20। और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x + 8 3 = 24 − 10 + 5 3 जा हमारे पास क्या हो जाएगा, 15x + −−5 4 = 20। अब हम क्या करते हैं, x वाली वैल्यूज़ को अलहदा कर लेते हैं दूसरी वैल्यूज़ को अलहदा। तो 8x प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 15x + 24 − 10 − 20 / 20। अच्छा, 8x + 15x क्या हो जाएगा हमारे पास, 23x हो जाएगा। 24 में से 10 को माइनस करें तो क्या बचते हैं, 14 में से आप 20 को माइनस करें तो पीछे क्या बचता है, −6/20। इससे आगे फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता, इस वजह से ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है जी, यहाँ पे F पार्ट सॉल्व हो गया। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका G पार्ट। तो G पार्ट जो है वो मैं इधर लिख लेती हूँ, वो है जी हमारे पास के जी पार्ट हमारे पास है a + 1/2 − a + 3/3 − 5a − 2/4। इसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो है इसको मैं लिख लेती हूँ, मेरे पास है जी a + 1/2 − a + 3/3 − 5a − 2/4। अब हमने देखना है कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो अगर आप गौर से देखें तो जो 12 है वो 2 के टेबल में भी आता है, 2 6 = 12, 3 4 = 12, 4 3 = 12। यानी कि हमने क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। साइड पे LCM ले लें तो भी आपके पास 12 ही आंसर आएगा। तो इसको ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 6 = 12 होता है। तो 6 × a + 1/6 − 2 − 3 4 = 12 होते हैं। इसको ऊपर नीचे हम क्या कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 4 3 = 12 होते हैं। इसको ऊपर नीचे हम क्या कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है जी, ताकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन जाए, 12 बन जाए। ठीक है जी, तो अब हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 6 × a क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 a 6 1 6 / 12 − 4 × a क्या हो जाएगा, 4 a, ब्रैकेट अभी मैं ओपन नहीं कर रही क्योंकि फिर साइन चेंज करने पड़ते हैं, 4 a + 4 3 = 12 / हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 − 3 5 = 15 a − 3 2 = 6 / 12। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, नीचे हम लिख लेते हैं 12, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 6 a + 6, अब माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, −4 a − + −12
माइनस 15 ए माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है जी। जब भी दरमियान माइनस साइन आए ऐसे ब्रैकेट आपने लिख लेनी है, तक इससे क्या ये होता है कि आपकी साइन की मिस्टेक कभी भी नहीं होती। अब ए वाली वैल्यूज को अलहदा कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को अलहदा कर लेते हैं, तो 6a माइनस 4a माइनस 15a प्लस 6 माइनस 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। अब हम कर लेते हैं 6 में से 4 गए तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, 6 में से 4 को माइनस करें तो माइनस 2a आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, सॉरी प्लस 2 क्योंकि 6 बड़ा है, 2a माइनस 15a, 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12, तो 2a माइनस 15a क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 13a, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 12 और 12 जो है ये आपस में क्या हो गए हैं, कैंसिल आउट हो गए हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो माइनस 13a डिवाइडेड बाय 12 ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। इससे आगे ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है जी। जी पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका एच पार्ट। तो एच पार्ट है जी हमारे पास के यहाँ पे लिख लेती हूँ, एच पार्ट है हमारे पास एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है जी। ये था, ये है जी हमारे पास इसका एच पार्ट। अब आप देखिए तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 2, 3 और 6 है, तो 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, ये तो ऑलरेडी 6 ही है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्वेश्चन है जी मेरे पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब 2, 3 से 6 होते हैं तो इसको ऊपर नीचे हम क्या कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे ऊपर जो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 है, तो इसको हम क्या करना है, ऊपर नीचे हम क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6, ये ऑलरेडी है, इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में, तो आ गया जी 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 एक्स प्लस 1 प्लस 2 एक्स प्लस 3 माइनस 5x माइनस 1, ठीक है। अब इनको अंदर हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6 माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। अब x वाली वैल्यूज को अलहदा कर लेते हैं, दूसरी वैल्यूज को अलहदा कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 2x माइनस 5x प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है जी। अब 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 5x 6 7 8 9 प्लस 1 10 10 डिवाइडेड बाय 6, ये प्लस 5x माइनस 5x ये दोनों आपस में कट के पीछे क्या बचा 10 डिवाइडेड बाय 6, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में, तो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज हमारे पास क्या हो जाएगा 2 5 से 10 एंड 2 3 से 6, ठीक है। 5 बाय 3 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें जो न्यूमरेटर है ये बड़ा है, तो उसको हम साइड पर डिवाइड कर देते हैं, तो 3 1 से 3 पीछे बचे हमारे पास 2, तो यानी कि आंसर जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 होल 2 बाय 3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। इससे आगे ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये एच पार्ट भी हमारे पास हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास इसका सेकंड लास्ट पार्ट है, और वो है जी हमारे पास इसका आई पार्ट। तो आई पार्ट है जी हमारे पास के 2 इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 14 प्लस हमारे पास है a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम, तो ये हमारे पास है जी सॉल्यूशन, तो लिख लेते हैं हम इसको, ये मेरे पास है जी 2 इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 14, ठीक है जी। ये हमारे पास, और लास्ट जो हमारे पास टर्म है वो है जी प्लस
ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। अब हमने इन सब का डिनोमिनेटर सेम करना है, तो देखिए सेवन जो है, सेवन की टेबल 14 आता है, टू की टेबल 14 आता है, तो डिनोमिनेटर में हम क्या बना लेते हैं 14, तो सेवन टू जो 14 होता है, इसको ऊपर नीचे हम क्या कर लेते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 तो ऑलरेडी 14 ही है, तो इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। और 27 से 14 होते हैं, इसको ऊपर नीचे हम क्या कर लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 22 का क्या होता है, 4 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4 इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 14 माइनस 2 ए प्लस 3 बी डिवाइडेड बाई 14 प्लस 7 ए प्लस 7 बी डिवाइडेड बाई 14। अब डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारे पास, सेम हो गया। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू ए, 4 ए माइनस 4 बी माइनस 2 ए माइनस प्लस माइनस 3 बी प्लस 7 ए प्लस 7 बी। अब हम क्या करते हैं, ए वाले टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं बी वाले टर्म्स को अलहदा, तो 4 ए माइनस 2 ए प्लस 7 ए, अब बी वाले टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं, माइनस 4 बी माइनस 3 बी प्लस 7 बी डिवाइडेड बाय 14। अब 4 माइनस 2 ए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ए प्लस 7 ए, ये हो जाएगा हमारे पास, और माइनस 4 बी माइनस 3 बी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 7 बी प्लस 7 बी डिवाइडेड बाय 14। ये दोनों तो आपस में कट गए, 7 8 9 9 ए डिवाइडेड बाय 14, इससे आगे ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, इस वजह से ये हमारे पास इसका आंसर है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आंसर, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास इसका आई पार्ट भी सॉल्व हो गया, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, और वो है जी हमारे पास इसका जे पार्ट। तो जे पार्ट है जी हमारे पास के एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 इंटू 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1, ठीक है जी, ये हमारे पास। तो इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं हम, इजी से ये क्वेश्चंस हैं सारे, सबको बस एक ही मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारे पास है जी x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 इंटू 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करना है। अब आप देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है कि एक तो हमारे पास है जी 3 है और 6 है, तो 3 के टेबल में भी 6 आता है, तो हम इसको ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, 3 2 दा 6 होते हैं, तो उसको ऊपर नीचे हम क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई प्लस, ये एज इट इज़ आ जाए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास डिनोमिनेटर में 6 है, और इसको 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 ही होता है, ठीक है, तो हमने इसको ऊपर नीचे क्या कर लिया है, 6 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो 2x प्लस 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 3 ज़ा 15x प्लस 5 4 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 बाय 6, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 6, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6 प्लस 15x प्लस 20 प्लस 6, ठीक है जी, यह आ गया। अब x वाली वैल्यूज़ को हम अलहदा कर लेते हैं और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उनको हम अलहदा कर लेते हैं, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 6। अब 15, 16, 17, 17x और इनको हम ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 20 हमारे पास क्या हो जाएगा, 32, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ साथ में 17x प्लस 32 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 6, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, 17x प्लस 32 डिवाइडेड बाय 6, इससे आगे फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता, इस वजह से कि हमारे पास इसका आंसर है। तो ये थी जी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, उनके बोलेगा सब्सक्राइब कर दे, और जो मेरा सेकेंड चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।